आज की दूसरी फिल्म है बॉक्स ऑफिस पर मेरी प्यारी बिंदु। इसमें मुख्य भूमिका है परिणीति चोपड़ा एज बिंदु शंकर नारायण और आयुष्मान खुराना एज अभिमन्यु राय। ये यश राज बैनर की फिल्म है, इसके अलावा इसमें कोई खास बात नहीं है। अक्षय रॉय ने इसे डायरेक्ट किया है। इस फिल्म का प्लॉट कुछ इस तरह से है कि अभिमन्यु और बिंदु पड़ोसी होते हैं, बचपन से दोस्त होते हैं और एक साथ पढ़ते हैं। अभिमन्यु को बिंदु से प्यार हो जाता है, लेकिन बिंदु एक रिनाउंड सिंगर बनना चाहती हैं और कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के चलते वो अलग हो जाते हैं। उधर अभिमन्यु बहुत सारी जॉब्स करने के बाद वो एक राइटर बन जाता है। बिंदु और अभिमन्यु फिर मिलते हैं, फिर शादी के लिए अभिमन्यु प्रयास करता है, दोनों के परिवार मिलते हैं। सुनने में ये कहानी कितनी सिंपल लग रही है, सीधी लग रही है, लेकिन फिल्म में ऐसी बिल्कुल नहीं है। आपके दिमाग का टेस्ट लिया जाएगा। इस फिल्म के डायरेक्टर अक्षय राय ऐसे ही नहीं आपको छोड़ देंगे। वैसे अगर आप ये जानना चाहते हो कि अभिमन्यु और बिंदु की शादी हुई कि नहीं, तो उसके लिए फिल्म देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं फिल्म की कहानी नहीं सुनाता, रिव्यू करता हूँ, पोस्टमार्टम करता हूँ। फिल्म की कहानी ठीक है, लेकिन स्क्रीन प्ले बकवास है, डायरेक्शन उससे भी ज्यादा बकवास है। फिल्म मनोरंजन के लिए बनाते हैं या दर्शकों का आईक्यू टेस्ट के लिए? मैं तो अक्षय राय के आईक्यू टेस्ट में फेल हो गया और मेरे टेस्ट में डायरेक्टर अक्षय राय फेल हो गए। अभिनय की बात करूं तो परिणीति के अभिनय में कोई नयापन नहीं है, कोई विविधता नहीं है। आयुष्मान बेहतर है, सिनेमेटोग्राफी ठीक ठाक है, गाने फिल्म में कोई ऐसे नहीं है जो आपकी जुबान पर चढ़ जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि मैं तो आईक्यू टेस्ट में फेल हो गया, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। फिल्म को इतनी बार आगे पीछे पीछे आगे किया गया है कि समझ ही नहीं आता कि अब फ्लैशबैक में है या बाहर आ चुके हैं। स्क्रीन पे डायरेक्टर लिखकर भी प्रेजेंट टाइम में ले आता है, फिर वापस ले जाता है। इट इज रियली वेरी कंफ्यूजिंग। फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू आई एम गिविंग 1.5 स्टार आउट ऑफ 5। कीप वॉचिंग दिस चैनल फॉर अनबायस्ड मूवी रिव्यू। इट कैन सेव योर मनी एज वेल एज योर प्रेसियस टाइम। फिर मिलेंगे, नमस्ते।